इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपको मैं मालविका मोहनन की ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा विद दी डॉम्स कलर पेंसिल्स। और ये आउटलाइन वाली ट्यूटोरियल वीडियो उस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। फिर इस वीडियो के बाद आपको मैं इसकी कलरिंग करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में आपको मैं इस पिक्चर की ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा और इसकी आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है इस पिक्चर को आउटलाइन के लिए रेडी करना। उसके लिए आपको पहले इसको स्नैपशीट में ओपन करना होगा और इसको इसमें ओपन करने के बाद आपने जाना है क्रॉप वाले सेक्शन में और फिर यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है 4x3 बिकॉज हम इस पिक्चर से A5 साइज का आर्टवर्क बनाने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमें इसको A5 साइज के अकॉर्डिंगली हमने इसकी रेशियो सेट करनी है और जो एक्चुअल में A5 का साइज होता है वो है 210x147.5 बट अगर राउंड फिगर किया जाए तो 200x150 आप मान सकते हो और 200x150 हो गया 20x15 cm और उस हिसाब से आप उसकी रेशियो 4x3 रख सकते हो और 4x3 रेशियो करने के बाद आप इसको A5 साइज के अकॉर्डिंगली सेट कर दीजिए सो दैट आपका A5 साइज के ऊपर हमारे सब्जेक्ट का फेस अच्छे से फिट आ जाए और इसी रेशियो के अकॉर्डिंगली आपने इसमें फ्रेम सेट करना है कि आप अपने आर्टवर्क में अपने सब्जेक्ट का कितना एरिया क्रिएट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सब्जेक्ट को इतना ड्रॉ करूं अपने आर्टवर्क के ऊपर A5 साइज में, तो इतने पे करके मैं इसको कर देता हूं ओके एंड देन डन। पिक्चर को सेव करने के बाद अब हमने इसमें ग्रिड लगाना है और उसके लिए मैं यूज करूंगा ग्रिड ड्राइंग एप्लीकेशन। आप इसको ग्रिड ड्राइंग में ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू सेट करनी है 20 क्योंकि हमने इसका 20x15 साइज के अकॉर्डिंगली हमने इसकी रेशियो सेट की थी, तो उस हिसाब से हम इसको 20 पे सेट कर लेंगे। इतनी वैल्यू सेट करने के बाद हमारे पास 20 रोज आ जाते हैं एंड 15 कॉलम्स। अब इसको हम कर देते हैं सेव। पिक्चर हमारी ग्रिड हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसकी शीट रेडी करना और उसके ऊपर भी ग्रिड क्रिएट करना, फिर हम उसमें आउटलाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल सीरीज में जो मैं कलर पेंसिल्स यूज करूंगा वो है डॉम्स और उसके लिए जो पेपर मैं यूज कर रहा हूँ वो है आइवरी शीट। ये आइवरी शीट थिक है और ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप कहीं और ट्राई कर सकते हो जहाँ भी मिलती हो, लेकिन वो थिक हो और उसके फाइन ग्रेन्स हो, बस उस तरह की आपने आइवरी शीट यूज करनी है इस ड्रॉइंग के लिए। अगर आपने स्मूथ वाली चूज की तो उसके ऊपर काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फाइन ग्रेन वाली के ऊपर ज्यादा अच्छे से काम किया जा सकता है। और इसकी साइजिंग मैंने पहले से करके रखी हुई है। इसकी जो लेंथ है वो है 20 cm एंड विड्थ इज 15 cm और नीचे मैंने थोड़ा सा मार्जिन रखा है सो दैट इसके ऊपर मैं टेप लगा इसको अपने टेबल के साथ स्टिक कर सकूं। और इसकी चारों तरफ मैंने 10 mm के डिस्टेंस पर एक एक पॉइंट लगा दिया है सो दैट मैं इसके ऊपर ग्रेड क्रिएट कर पाऊं। और इसके ऊपर ग्रेड क्रिएट करने के लिए आपने या तो HP ग्रेड की पेंसिल यूज करनी है, हालांकि ये वाली पेंटल ग्राफियर है, बट आप कोई भी वुडन पेंसिल यूज कर सकते हो HP ग्रेड की या फिर H ग्रेड की। बस ध्यान ये रहे कि उसकी टिप बिल्कुल शार्प रहनी चाहिए और आपने हल्के हाथ से इसके ऊपर ग्रेड लाइंस क्रिएट करनी है। तो चलिए इसके ऊपर अभी हम ग्रिड लाइंस क्रिएट कर लेते हैं। आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि इसके जो रोज एंड कॉलम्स हैं उसके ऊपर आपने नंबरिंग कर देनी है, जैसा कि आप ग्रिड की हुई पिक्चर के ऊपर देख सकते हो। सेम नंबरिंग कर दोगे आप तो आपको अंदाजा रहेगा कि आप किस सेल में वर्क कर रहे हो। और इसकी आउटलाइन करने की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले इसके जो हेयर है उनको आउटलाइन करके। पहले हम हेयर को आउटलाइन कर लेंगे, उसके बाद हम इसके फेस का ये वाला स्ट्रक्चर हम आउटलाइन करेंगे। बाहर वाली सभी कर्व्स को आउटलाइन करने के बाद फिर लास्ट में आप इसके फेशियल फीचर्स को क्रिएट कर सकते हो। और ऐसा आपने इसलिए करना है, अगर आपने इसके फेशियल फीचर्स को सबसे पहले करना शुरू किया और किसी गलत सेल से क्रिएट करना शुरू कर दिया तो फिर आपको पूरी आउटलाइन रेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसकी गलती आपको लास्ट में पता चलती है। अगर आप पहले बाहर की आउटलाइन को पहले क्रिएट कर लेते हो उसके बाद फेशियल फीचर्स को क्रिएट करते हो, इस तरीके से गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके हेयर को आउटलाइन करना और उसकी शुरुआत मैं करूंगा ऊपर की तरफ से। और इसकी स्टार्टिंग हो रही है 7th कॉलम एंड 1st रो से। आउटलाइन करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आप कौन से सेल में वर्क कर रहे हो। किसी भी गलत सेल में आपने वर्क करना शुरू किया तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर से आप उसको इरेज करोगे, ये चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो आउटलाइन है ना तो बहुत ज्यादा डार्क बनानी है और ना ही बहुत ज्यादा लाइट। अगर लाइट बन जाएगी तो फिर आपको थोड़ी सी ट्रेसिंग करने में उसकी मुश्किल होगी, अगर ज्यादा डार्क कर दोगे तो बाद में उसको इरेज कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए आपने हल्के हाथ से ही इसकी आउटलाइन क्रिएट करनी है। और पेंसिल का ग्रेड आपने HP या फिर 2H ग्रेड की पेंसिल यूज करनी है। अगर आप हायर ग्रेड की पेंसिल को यूज करोगे तो फिर आपकी आउटलाइन भी डार्क बनेगी। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी कर्व सेल के किस लाइन से कितने पॉइंट से क्रॉस कर रही है। अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो यकीनन आपके आउटलाइन में गड़बड़ जरूर दिखेगी। अगर आप उसको ध्यान से करोगे तो आपकी आउटलाइन तभी परफेक्ट बन सकती है। तो फेस की मेजर आउटलाइन करने के बाद अब हम इसके फेशियल फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं, इसकी आईज, नोज, लिप्स और ये जो ज्वेलरी पार्ट्स हैं इनको भी। इसके आईज को आउटलाइन करने वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। इसमें
गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आईज गलत बनेगी तो आपके पूरे आर्टवर्क की लुक ही खराब हो जाएगी। और आउटलाइन करने का जो सिंपल सा मेथड है, आपने बस ये करना कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं आपने उसके ऊपर पॉइंट्स वगैरह लगा देने हैं, उसके बाद उनको आपने धीरे धीरे करके मैच करना है और देखना है कि कौन से सेल में से कर्व्स किस पॉइंट से क्रॉस कर रही हैं। उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे इसकी आईज के ऊपर भी सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है, उसके भी आपने पॉइंट्स लगाने हैं एंड देन उसके पॉइंट्स को धीरे धीरे आपने मैच करना है और कर्व बिल्कुल स्मूथ रहनी चाहिए उसकी आईज की। और इतना करने के बाद फिर आप बाद में उसकी जो आई का मेन आई बॉल पार्ट है आप उसको क्रिएट कर सकते हो, और उसमें भी गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक आई की आई बॉल थोड़ी सी बड़ी बन जाती है और किसी की छोटी बन जाती है, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने पहले एक को परफेक्टली क्रिएट करना है, उसके बाद दूसरे को फर्स्ट वाली के साथ कंपेयर करते हुए ये देखना है कि पहले वाली आई बॉल का साइज आपने कितना रखा है और दूसरे वाले का कितना होना चाहिए, और साथ ही साथ रेफरेंस के साथ भी आपने कंपेयर करते रहना है। जब आप इन चीजों का ध्यान रखोगे और पूरे फोकस के साथ इसके ऊपर काम करोगे तभी आईज बिल्कुल परफेक्टली क्रिएट कर पाओगे आप। अगर आउटलाइन परफेक्ट होगी तो आपके फाइनल आर्टवर्क में भी आपकी परफेक्शन नजर आएगी। आईज को आउटलाइन करने के बाद आपने फिर इसके नोज को आउटलाइन करना है, और इसको आउटलाइन करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है कि पहले इसके आपने लिमिट्स वगैरह सेट करनी है कि कहां से लेकर कहां तक नोज का साइज आ रहा है, और लिमिट सेट करने के बाद आपने धीरे धीरे इसके बाकी के पार्ट्स को क्रिएट करना शुरू करना है। जैसे कि इसकी जो लॉन्ग कर्व है आपने इसको क्रिएट करना है, ये वाली क्रिएट करने के बाद फिर आपने नोस्ट्रिल्स क्रिएट करनी है, और उसके बाद जो बाकी की छोटी छोटी कर्व्स रह गई हैं आपने फिर उनको क्रिएट कर देना है। और अब लास्ट में हम इसके लिप्स क्रिएट करेंगे, और इसको भी क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहले हम इसके जो एंड पॉइंट्स हैं हम उनको क्रिएट कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसकी ऊपर और नीचे वाली जो लिप्स की कर्व्स हैं उनके जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं हम उनको क्रिएट करेंगे। इतना करने के बाद फिर आप इसकी सेंटर वाली लाइन को क्रिएट करने के साथ इसके अपर एंड लोअर लिप्स को भी क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। जो जो आपने पॉइंट्स लगाए हैं उन सभी पॉइंट्स को आपने आपस में कनेक्ट करना है, और ध्यान रखें कि जो आप कर्व्स क्रिएट कर रहे हो वो बिल्कुल स्मूथ रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड लगे या फिर टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल आप क्रिएट कर दो, उनकी कर्व्स का फ्लो बिल्कुल स्मूथ रहना चाहिए। और बस इन सिंपल स्टेप्स के थ्रू लिप्स भी क्रिएट हो गए। इसकी जो बाकी की आउटर नेगी है जैसे कि इसके जो झुमके हैं वो आप खुद करिएगा। और इसी के साथ ये वाला ट्यूटोरियल यहीं पर खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको मैं इसकी कलरिंग करना सिखाऊंगा विद दी डॉम्स कलर पेंसिल्स। तो बने रहिए इस चैनल के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे बनाए गए ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं और आप इससे भी ज्यादा डिटेल और डेप्थ में सीखना चाहते हैं हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हुए, और आपका ड्रीम है कि आप इस लेवल तक की ड्राइंग बनाना सीखो, तो मेरा ट्रू रियलिज्म वाला कोर्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।